तो आज का टॉपिक होगा मार्जिन इफेक्ट्स ऑन द बॉक्सेस, जब वो साइड बाय साइड हो और जब वो बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, तो मार्जिन्स किस तरह से बिहेव करती है। अब उसके लिए सबसे पहले मैं दो फाइल्स बना लेता हूँ, इंडेक्स 19.html एंड स्टाइल 19.css। सबसे पहले html ओपन कर देता हूँ और टाइटल दे देता हूँ दी बॉक्स मॉडल, और साथ ही साथ मैं लिंक करवा देता हूँ स्टाइल 19.css की फाइल को। और यहाँ पर मैं फाइल का नाम दूंगा, दैट इज स्टाइल 19.css। फिलहाल यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर दो बॉक्सेस बनाने के लिए मैं दो डिव बना लेता हूँ, और उसको एक क्लास देता हूँ बॉक्स और दूसरी क्लास दे देता हूँ बॉक्स वन। उसके अंदर पैराग्राफ लिख देता हूँ और उस पर कंटेंट लिखता हूँ वन। इसी को कॉपी करें और पेस्ट कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं टू, और इसको बॉक्स को नाम भी दे देते हैं बॉक्स टू। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, देन इट इज कनेक्टेड टू ब्राउजर सिंक। मूविंग ऑन, अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले जितने भी बॉक्सेस हैं, जो कि मेरे पास दो हैं, उन बॉक्सेस का बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ग्रे। ठीक, इनकी विड्थ कर देते हैं 50%, और इनकी पैडिंग कर देते हैं 150 पिक्सल्स। चेक कर लेते हैं कितनी बनती है, 150 पिक्सल इज टू मच, मेक इट 50 पिक्सल। दोनों बॉक्सेस मर्ज नजर आ रहे हैं फिलहाल, तो इनको बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर इज वन, मेक इट 3 पिक्सल्स, सॉलिड ग्रीन। ठीक, अब बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और 1+1 ऐसा लग रहा है कि ये 3+3 6 पिक्सल का बॉर्डर हो ये वाला। अब जरा जो पैराग्राफ्स मैंने बनाए हैं, दोनों पैराग्राफ्स की पैडिंग कर देता है 50 पिक्सल्स, और साथ ही साथ इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो कर देते हैं पिंक, और टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। और अब आ जाते हैं बॉक्सेस के ऊपर। सबसे पहले बॉक्स नंबर वन को मैं मार्जिन दे देता हूँ, बॉक्स वन एंड मार्जिन, और मार्जिन में दे देता हूँ बॉटम की, और बॉटम मार्जिन दे देता हूँ मेक इट 20 पिक्सल। तो यहाँ पर 20 पिक्सल की मार्जिन आ चुकी है, और बॉक्स टू को टॉप की मार्जिन दे देता हूं ताकि मैं विजुअलाइज कर सकूं कि मार्जिन्स बिहेव कैसे करती हैं। तो मैं इस सेपरेशन को ऑब्जर्व करूंगा, उसके लिए मैं बॉक्स टू की मार्जिन टॉप के ऊपर 10 पिक्सल्स दे देता हूं। ठीक है, अभी तक कोई बिहेवियर हमें महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जो मार्जिन्स हैं जब बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं तो ओवरलेप हो जाती है मार्जिन, तो इस वक्त मार्जिन ओवरलेप है। अब इसको बॉक्स मॉडल के अंदर देखने के लिए मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पे आपको चेक करवाता हूं। यहां पर आके करें आप इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक, और इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये मार्जिन 20 है और ये दूसरे बॉक्स के बॉर्डर तक जा रही है। ठीक है, और अगर इस बॉक्स को मैं इंस्पेक्ट करूं तो यू विल सी इसकी टॉप मार्जिन है जो कि 10 है। अब ये 10 जो है बढ़ा के मैं 20 कर देता हूं, एंड यू विल फाइंड कि कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि 20 उसकी भी है और 20 इसकी भी मार्जिन हो जाएगी, तो दोनों ओवरलेप ही करेंगे। तो मैं ये इंक्रीज करता जाता हूँ यहाँ से, 20 पिक्सल तक कोई इफेक्ट नहीं आया, जैसे ही 21 करूंगा तो बॉक्स नंबर 2 और नीचे आना शुरू हो जाएगा। सी, ओके, अब ये 35 तक है। अब अगर
बॉक्स नंबर वन की मार्जिन को मैं इंक्रीज करूंगा तो 35 तक कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये 33, 34, 35, क्योंकि दोनों बॉक्सेस की मार्जिन क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, ठीक है, व्हिच इज व्हाई कोई इफेक्ट महसूस नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट इज कि अगर दोनों बॉक्सेस साइड बाय साइड आ जाएं तो क्या होगा, उसके लिए मैं दोनों बॉक्सेस को, बल्कि बॉक्स के ऊपर एक प्रॉपर्टी लगा देता हूं फ्लोट टू लेफ्ट, और उसके लिए मुझे एक दो चीजें और करनी पड़ेंगी ताकि ये फ्लोट हो जाए। स्टार पे जाके मैं कह देता हूं बॉक्स बॉक्स साइजिंग टू बॉर्डर बॉक्स से, अच्छा ये आपको नजर आ रहे होंगे क्योंकि मैंने इनकी जो मार्जिन हैं वो जरा चेंज की हुई है। अब इन मार्जिन को मैं हटा देता हूँ एंड यू विल सी बोथ विल बी अलाइंड, ठीक है, दोनों अलाइन हो गए। अब मैं एक और चीज ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, इन दोनों के बीच में मार्जिन देना चाह रहा हूँ और देखूंगा कि मार्जिन यहाँ पर कैसे रिएक्ट करती है। तो विड्थ में फिलहाल 40% कर देता हूँ। 40% करने के बाद बॉक्स वन की जो राइट की मार्जिन्स हैं, मार्जिन मार्जिन डैश राइट, इसको कर देते हैं 10 pixels। और अगर बॉक्स टू की मार्जिन को 10 pixel करूं तो यू विल सी कि बॉक्स टू भी आगे चला जाएगा, व्हिच मींस कि ये अब ओवरलैप नहीं हो रही, एक्यूमुलेट हो रही। सो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।